अनूपपुर के बगल में स्थित निशा इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिकल दुकान पर आज सुबह लगभग 8:30 बजे लगी आग। लगभग 11 बजे तक 3 दमकलों के माध्यम से काबू पा ली गई है। भीषण आग से दुकान पर रखा इलेक्ट्रिक सामान जलकर राख हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग दुकान में लगी होना बताया जा रहा है। मौके पर 3 दमकल वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे रहे। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिला मुख्यालय में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल दुकान है निशा इंटरप्राइजेज। दुकान में एयर कंडीशनर, फ्रिज, LED, LCD, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित लाखों का मोबाइल भी था। दुकान में अभी तक आग में काबू नहीं पाया गया है। आग इतनी भयावह थी कि रिहायशी इलाके में बसे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आए और क्षेत्र में दहशत छा गई। कॉम्प्लेक्स में स्थित 7 से 8 दुकानों को भी आग ने क्षति पहुंचाई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अनूपपुर से मोहम्मद नियामुद्दीन अली की रिपोर्ट। आग लगी है, काफी बड़ी आग थी, कई दमकले यहाँ लगी है से बुझाने में। क्या लगता है कितने का नुकसान है और किन कारणों से आग लगी? अभी जो नुकसान की जो जांच होगी वो बाद में होगा, जैसे विभाग करेगा जी। तत्काल में जैसे सूचना मिली हम लोगों को आग लगी है, आग देखे भयंकर आग लगी है, तो इसमें जयतहरी, चचाई, पसान अपनी सभी को बुलवा लिए फायर ब्रिगेड को, और सभी लोगों ने अपार सहयोग दिया। हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ के स्थानीय लोग बहुत आ गए थे, SDM साहब, तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, और हम लोग प्राथमिक पहले आग बुझाने में है, उसके बाद देखेंगे कि कितने का लगा है और कितने का नुकसान। सर, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया कहलाता है जिस तरह आग लगी? क्या रिहायशी क्षेत्र है, किस तरीके? आप लोगों का प्रॉब्लम है, तहसील के बाजू में है, ये व्यवसायिक भी है, क्योंकि रोड के किनारे व्यवसायिक क्षेत्र माना जाता है। कब जानकारी लगी सर पुलिस को? हम लोगों को 7 बजे लगी है, ये आग लग गई है, और तुरंत उस समय आ गए सब लोग, आ गए और सब लोगों ने अपने अपने उससे व्यवस्था का संचालन किया, और अभी 90% आग बुझ गई है, और भी पसंद किए और जैसा